Have you just graduated with a bachelor's degree and master's degree in Canada? And you're searching for a job in the current COVID scenario? हम सबको पता है कि मार्केट टफ है, बट एट द सेम टाइम अगर हम अपना लॉन्ग टर्म करियर कनाडा में प्लान कर रहे हैं तो हमको परमानेंट रेजिडेंसी को भी फैक्टर इन करना है। जब आप ग्रेजुएट होते हैं कनाडा में तो आपको एक वर्क परमिट मिलता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है, जो आपको ऑथराइजेशन देता है कनाडा में अप टू 3 ईयर्स काम करने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन। बट इस दौरान आपको एक और ऑप्शन भी मिलता है टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। ये ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कनाडा में लॉन्ग टर्म करियर परस्यू करना है तो आपको इस ऑप्शन को डे वन से प्लान करना है। अब आपके सामने दो चीजें हैं, पहला एक सही जॉब शुरू करना, दूसरा परमानेंट रेजिडेंसी को भी साथ में फैक्टर इन करना। इन दोनों रास्तों को कैसे प्लान करना है मैं आपको आज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, जॉब। वी नो दैट फाइंडिंग दैट फर्स्ट जॉब इज नॉट इजी, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर द कैनेडियन लेबर मार्केट आफ्टर ग्रेजुएशन। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज अ जॉब दैट पेव्स द पाथवे फॉर अ लॉन्ग टर्म करियर। What I mean from this, जब आप एक सही जॉब चुनते हैं तो आपके सामने 2 परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवे आ जाते हैं। पहला पाथवे होता है प्रोविंशियल पाथवे, यानी जो एम्प्लॉयर एक प्रोविंस में लोकेटेड है उसकी वजह से आपको प्रोविंस में एक ऑप्शन मिल सकता है टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, यानी प्रोविंशियल नॉमिनेशन। सेकेंड पाथवे होता है फेडरल पाथवे, जो कि कैनेडा वाइड कंसिस्टेंट है। हम इस डिस्कशन में प्रोविंशियल पाथवे नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज हर प्रोविंस के अलग रूल्स हैं। हम इस डिस्कशन में फेडरल पाथवे पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेट्स से कि मैंने आज अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है कनाडा में। अब मेरे सामने एक ऑप्शन है या मैं एक रोल एस्पायर करता हूं विद अ सर्टेन कंपनी एट अ सर्टेन डेजिग्नेशन, बट हो सकता है उस रोल से पहले मुझे एक मीडियम साइज या स्मॉल साइज कंपनी में एक स्टार्टिंग रोल मिल जाए। अब वो स्टार्टिंग रोल मुझे जो मेरी मेन एस्पिरेशन थी वहां पे पहुंचने के लिए तो हेल्प करता ही है, बट यही स्टार्टिंग रोल मुझे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला ये हो जाता है कि मेरे को जो भी इस टाइम पे एक ऐसा रोल मिले जहां से मैं अपना लॉन्ग टर्म करियर तो एस्पायर कर पाऊं जो मैं करना चाहता हूं, और दूसरी तरफ मेरा परमानेंट रेजिडेंसी भी सिक्योर हो जाए, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2 आता है परमानेंट रेजिडेंसी का। मैंने अपनी डिस्कशन में पहले बोला था कि आपके पास 2 पाथवे है। पहला पाथवे है प्रोविंशियल पाथवे एंड सेकेंड है फेडरल पाथवे। प्रोविंशियल पाथवे को हम अपनी डिस्कशन से अलग रखेंगे क्योंकि हर प्रोविंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है इस पे डिस्कशन करना इस वीडियो में। सेकंड पाथवे व्हिच इज द फेडरल पाथवे वो कनाडा वाइड कंसिस्टेंट है। मैंने अपने एग्जांपल में आपको ये भी बोला था कि आपको हो सकता है कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिससे आपका लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशन तो पूरा होता ही है, बट सेकेंडली आपको परमानेंट रेजिडेंसी में भी सपोर्ट मिलता है। तो यहां पे फेडरल पाथवे आपको आपके लॉन्ग टर्म करियर में कनाडा में सपोर्ट करता है थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी। ये पाथवे में जैसे ही आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस कनाडा में कवर कर लेंगे, आप इस पाथवे के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको मेक श्योर करना है विद पॉइंट 1 एंड 2 बोथ कि आप ये सारी प्लानिंग को शुरू में ही ध्यान में रखें। अब इस प्लानिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है 3rd पॉइंट, विच इज योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सो जब कनाडा में आप बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री करने आए थे तो आपने IELTS एकेडमिक टेस्ट दिया था। अब कहीं बार मुझको ये क्वेश्चन आता है कि हमें क्या दोबारा से IELTS देना होगा और क्यों देना होगा, तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए डिफरेंट टेस्ट है। नो मैटर आपने पहले IELTS एकेडमिक दिया है और आप कनाडा में बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं, जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए टेस्ट है वो है IELTS जनरल
या सेल्फ जनरल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये टेस्ट पहले ही दे के रखें, क्योंकि जिस दिन आप वन ईयर का एक्सपीरियंस कवर कर लेंगे उस दिन आप पॉइंट नंबर टू के हिसाब से आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर लेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं समराइज करके बोलूं तो आपके पास तीन इंपॉर्टेंट टास्क है। पहला, एक सही जॉब स्टार्ट करना जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म करियर में हेल्प करेगी कैनेडा में। दूसरा, इंग्लिश का टेस्ट दे के रखना, क्योंकि जिस दिन आप वन ईयर का एक्सपीरियंस कवर करेंगे तो आप तीसरे पॉइंट में आ जाएंगे जिसमें आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी फाइल करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स को आप अभी से प्लान करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है अपने करियर और इमिग्रेशन को लेके तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं थ्रू द बिलो मेंशन डिटेल्स। थैंक यू।